वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है। जिन लोगों की यूपी लेखपाल में फीस नहीं कट पाई है, बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे। मेरा एक वीडियो था पुराना, वो एकदम से हिट कर गया। उसी में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बोला, यार मैंने ये भी तो बोला था कि फीस जमा करके फुर्सत हो जाओ, है ना। लेकिन परेशान होने की जरूरत, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, है ना। कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो, फर्जी के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, आपकी फीस जमा होगी। थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, एक दो दिन में साइट फिर खुलेगी। 24 तारीख लास्ट डेट है, एक महीने है। परेशान ना हो आप, केवल कहीं पर इधर उधर मंडराने से अच्छा आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल करो, ग्रेवेंस डालो। अगर कोई आसपास रहता हो अगर, तो वहां जाके दफ्तर पर उनको सूचित करो कि सर ऐसा ऐसा हुआ। कई सारे बच्चे जो 17-18 को फीस जमा किए, तो उनकी भी फीस सबमिट नहीं हुई यार, वो तो कहीं से गलत रहे। हम कह रहे 19 लास्ट डेट थी, तो उनकी क्यों गलती हो गई 17-18। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, पहले तो एक बात, अपनी गलती भी कभी स्वीकार लिया करो, ठीक है। मतलब एक छोटा सा काम, एक सिंपल सी 200 रुपए की फीस कटा गई थी, जिसका मुझे याद आ रहा 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। तुम लोग वो फीस कटा के रख ना पाए, प्रिंट लेकर चलो नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। अब उस कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसे थोड़े तुम बाहर कर दिए, परेशान हो। सरकार को भी राजस्व चाहिए ना, चाहिए होता तो ये 225 ये वाला ड्रामा नहीं करती, है ना। तो थोड़ा सा समझो। कई सारे बच्चे मुझे पर्सनल फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर फीस नहीं जमा हो रही, क्या करें, अब मेरा क्या होगा, कैरियर बर्बाद हो गया ये वो। अगर तुम्हें इतनी कैरियर की चिंता थी, तो तुम्हें समय रहते सब चीज़ें किया करो। कुछ बच्चे फॉर्म लास्ट डेट में भरते हैं, यार भाई क्यों भरते हो यार। हमेशा याद रखना दोस्तों एक चीज़ को, फॉर्म मिड में भर लिया करो ना, स्टार्टिंग भरो ना, आखिरी तक बैठो, बीच कहीं डेट निकाल के अपना समय निकाल के, क्योंकि बेस वही है ना। फीस पेमेंट करके उससे फुर्सत हो जाएगा, करो टेंशन फ्री बैठा करो। चलो एक बार आप बच्चे हो, इस बार गलती होगी, लेकिन भविष्य के लिए भी यार याद रखना इस चीज़ को। परेशान ना हो, आप सबकी फीस जमा होगी, टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने खुद बोला है, जिन बच्चों का फोन आया मैंने कहा, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, फीस सबमिट होना स्टार्ट होगी, आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाए, टेंशन बिल्कुल भी ना, ठीक है। लिख के नहीं दे सकता हूँ, ये समझो चीज़ कॉन्सेप्ट को समझो, ग्रेवेंस डालो, मेल करो, नंबर उनका मिलना नहीं तो फोन लगाने से कोई फायदा है नहीं। आप दफ्तर जा सकते हैं, जो लोग पास में रहते हो, दूर रहते हो ना जाओ, कोई जरूरत नहीं। 1-2-3 दिन में उनकी साइट फिर से खुलेगी, आपकी फीस जमा होगी और आपका एग्जाम भी होगा सबका। परेशान मत हो, ठीक है। जुड़े रहिएगा, मैं थोड़ा सा मिलते हैं।